मैं आईडी खजूरिया, नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म और प्रेसिडेंट पीस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं सभी अपने नगरवासियों को, अपने दोस्तों को, अपने शहरदारियों को और अपने नौजवानों को आज दिवाली की मुबारक देते हुए एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि दिवाली को बिल्कुल सादगी से मनाया जाए और सिर्फ इस मकसद से मनाया जाए कि हम तमाम समाज में सभी के त्यौहारों को, एक दूसरे के त्यौहारों को मानते हैं और मनाते हैं और उसे शांतिपूर्वक मनाने में सबसे ज़्यादा उत्साह होना चाहिए ताकि सभी किस्म का कोई पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में या किसी और नुकसान ना हो पटाखा से या किसी और दूसरी चीज़ों से। इसलिए दिवाली में एक खुशी का त्यौहार होता है, मिठाइयों का त्यौहार होता है, मिलन का त्यौहार होता है और हमें एक दूसरे को खुशी बांटने का त्यौहार। तो क्या लगता है आर्मी ने जो स्टेप उठाया है कितना कॉन्फिडेंस मिला है और क्या लगता है कहीं भी आप जाके परफॉर्म कर सकते हो और कितना कल्चर को कितना प्रमोट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें जितना भी कॉन्फिडेंस मिला है वो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी ही मिला है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद हम लोग, मतलब भदरवाह को पता लगता कि उनके यहाँ इतना टैलेंट है और फोर सेक्टर आरआर ने इन टैलेंट को निकाल कर, मतलब इनको इतना प्रमोट किया कि हर एक प्लेटफॉर्म आज भी मिल रहा है। ये J&K के, मतलब हम लोग J&K के कोने कोने में जा रहे हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा है और हमें पता लग रहा है कि हमें ऑडियंस को कैसे फेस करना है। अगर आज हमें इतने से प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक दिन हमें बहुत बड़ा और प्लेटफॉर्म मिल सकता है। कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आर्मी और भदरवाह थाटी, तो इसके पीछे क्या मोटिव और कैसा रिस्पांस है, वो क्या लगता है कैसे हेल्प करेगा टूरिज्म में? आप देख रहे हैं कि ये जो आज का जो ये प्रोग्राम है ये भदरवाह कल्चरल फेस्टिवल 2017-18 के नाम से इंडियन आर्मी और भदरवाह डेवलपमेंट थाटी के इस कोलेब्रेशन से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये बताना चाहूँ यहाँ पर कि इसमें हमारे थ्रूआउट इंडिया के आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर जो आर्मी का एक चोलसम बैंड के नाम से जो है बैंड है उनका, आर्मी का सबसे बढ़िया बैंड जिसको कहा जाता है, उसमें हिंदुस्तान के थ्रूआउट जितनी स्टेट्स हैं वहाँ के कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ साथ आर्मी की ओर से यहाँ पर जो एक भदरवाह बैंड बनाया गया है वो भी शिरकत फरमा है और साथ साथ में जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस की ओर से भी यहाँ पर कुछ अच्छे कलाकार जो हैं वो आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो है इसमें यकीनन भदरवाह टूरिज़्म के हवाले से मैं ये कहूँ कि बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि थ्रूआउट इंडिया से मुल्क भर से यहाँ पर कलाकार जो है शिरकत फरमा है और आप रस देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और यकीनन हमारे भदरवाह टूरिज्म के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम।